हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 9 एनसीईआरटी लेसन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दिस इज पार्ट 16 वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एग्जांपल नंबर 9। ओके, सी एग्जांपल नंबर 9। सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 इज इक्वल टू x - 3 एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन एंड द कार्टेशियन प्लेन। आपको क्या देकर है यहाँ पर, ये इक्वेशन देकर है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, ये इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रिप्रेजेंट करना है सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। पहले नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद क्या करना है यहाँ पर द कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखो, गिवन इक्वेशन क्या दे करे, 2x + 1 = x - 3 ये इक्वेशन दे करे। ओके, तो पहले नंबर लाइन के लिए हम सॉल्व करते हैं। देन यहाँ पर देखो, आपको इक्वेशन क्या दे करे, जो इक्वेशन दे करे वो इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन है 2x + 1 = x - 3 ये इक्वेशन दे करे। देन उसके बाद क्या करना है यहाँ पर देखो, x है यहाँ पर, लेफ्ट साइड में भी x है, राइट साइड में भी x है। ओके, सो क्या करना है यहाँ पर, ये 2x है, ये x लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो और ये इंटीजर राइट साइड में शिफ्ट करो। नाउ क्या होगा यहाँ पर, 2x, ये x इधर आएगा लेफ्ट साइड, माइनस x इज इक्वल टू ये माइनस 3 और ये क्या होगा, प्लस 1 शिफ्ट होगा राइट साइड में, तो माइनस 1 हो जाएगा। नाउ देन उसके बाद 2x माइनस x x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4। सो यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 4, तो आपको रिप्रेजेंट करना है x इक्वल टू माइनस 4 ऑन द नंबर लाइन। सो यहाँ पर क्या किया हमने, नंबर लाइन ड्रा की, यहाँ पर देखो नंबर लाइन है 0 इन बिटवीन राइट साइड 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 निगेटिव नंबर। देन उसके बाद क्या करना है यहाँ पर, x इक्वल टू माइनस 4, सो देखो x इक्वल टू माइनस 4, माइनस 4 क्या पर है, यहाँ पर है। ओके, सो क्या होगा यहाँ पर, ये नंबर x इक्वल टू माइनस 4 ये रिप्रेजेंट होगा यहाँ पर माइनस 4। ओके, सो क्या होगा, ये x इज इक्वल टू माइनस 4। नाउ हमने रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 4। अब सेकंड क्या दे करे आपको, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है। ओके, अब यहाँ पर देखो x इक्वल टू माइनस 4 है, मींस यहाँ पर x प्रेजेंट है, y वेरिएबल अब्सेंट है। जब y वेरिएबल अब्सेंट रहेगा तो उसका इक्वेशन किस तरह से बनेगा, x y से रहेगा, प्लस जो भी अब्सेंट है वो किसके साथ मल्टीपल होगा, 0 के साथ मल्टीपल होगा, मींस क्या होगा, 0 * y इज इक्वल टू माइनस 4। ओके, अब नाउ क्या करना है यहाँ पर, x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करना है 1 by 1। देन उसके बाद देखो इक्वेशन कौन सा है यहाँ पर, x प्लस 0 y इज इक्वल टू माइनस 4। इक्वेशन यहाँ पर मैं लिखता है x प्लस 0 * y इज इक्वल टू माइनस 4। नाउ पुट अप कर लो, अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितना है यहाँ पर, माइनस 4 है। ओके, x की वैल्यू यहाँ पर ध्यान में रखना माइनस 4 है। पुट द वैल्यू ऑफ x, माइनस 4 प्लस 0 * y की वैल्यू क्या पुट अप करोगे यहाँ पर, सपोज 0 पुट अप किया आपने, सो क्या होगा, ये 0 पुट अप किया हमने y की जगह इज इक्वल टू ये माइनस 4, सो माइनस 4 प्लस 0 * 0, 0 इज इक्वल टू माइनस 4, मींस आंसर आया माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। देखो अब यहाँ पर वेन y is equal to 0, when y is equal to 0, x is equal to कितना मिला, माइनस 4, ऑलरेडी हमारा ये माइनस 4 है। ओके, नाउ देन अगेन यहाँ पर पुट अप कर लो, क्या है यहाँ पर, x प्लस 0 * y इज इक्वल टू माइनस 4। हमने y की जगह क्या पुट अप किया था, पहले 0 पुट अप किया था, अब y की जगह 1 पुट अप करके देखो, सो क्या मिलेगा, x क्या है यहाँ पर, माइनस 4 प्लस 0 * y की जगह 1 आएगा इज इक्वल टू माइनस 4, सो क्या होगा, ये माइनस 4 प्लस 0 * 1, 0 इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस 4 प्लस 0 मीन्स माइनस 4
इज इक्वल टू माइनस फोर, मतलब वन पुट अप करने के बाद भी हमें x कितना मिला है, माइनस फोर ही मिलेगा। ओके सो क्या होगा यहाँ पर जीरो, सॉरी y की जगह वन रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा x की जगह माइनस फोर आएगा। नाउ अगेन यहाँ पर पुट अप कर लो, इक्वेशन वही रहेगा, देख क्या होगा यहाँ पर x की जगह वैल्यू कौन सी है यहाँ पर माइनस फोर है, तो माइनस फोर पुट अप करेंगे। नाउ प्लस जीरो इंटू वाई की जगह भी यहाँ पर माइनस वन पुट अप करके देखो, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस फोर, सो क्या मिलेगा यहाँ पर माइनस फोर, माइनस फोर प्लस जीरो इंटू माइनस वन, जीरो इज इक्वल टू माइनस फोर, फोर माइनस फोर प्लस जीरो माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस फोर। मीन्स क्या हुआ यहाँ पर माइनस वन पुट अप करने के बाद भी यहाँ पर आपको क्या मिलेगा माइनस फोर। ओके सो क्या होगा माइनस वन वाई इज इक्वल टू माइनस वन देन एक्स इक्वल टू माइनस फोर, मतलब यहाँ पर आप y की वैल्यू कौन सी भी पुट अप कर लो, ये इक्वेशन में आप y की वैल्यू कौन सी भी पुट अप कर लो आपको x इक्वल टू माइनस फोर ही आएगा, क्योंकि ये y क्या है जीरो से मल्टीपल है। हमारा इक्वेशन किस तरह से बना, x प्लस जीरो इंटू वाई इक्वल टू माइनस फोर। अब ये इक्वेशन क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू माइनस फोर है। ओके अगर यहाँ पर y इक्वल टू माइनस फोर होता है तो इक्वेशन क्या बनता है यहाँ पर आपका, कि जीरो इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस फोर, इस तरह से बनता है। मतलब आपका यहाँ पर x इक्वल टू माइनस फोर है तो इक्वेशन क्या बना, x वैसे रहेगा प्लस जो वेरिएबल ऑफसेट है वो क्या होगा जीरो से मल्टीपल होगा, मीन्स क्या होगा जीरो इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस फोर। देन आप वैल्यू पुट अप करके देखो, वन बाय वन हमने वैल्यू पुट अप किए, y की जीरो पुट अप किए x का माइनस फोर ही मिला, देन y का वन पुट अप किए अगेन x का माइनस फोर मिला, देन अगेन y की माइनस वन पुट अप किए अगेन हमको x इक्वल टू कितना मिला माइनस फोर मिला। नाउ हम ये कार्टेशियन प्लेन पर ड्रा करते, यहाँ पर देखो कार्टेशियन प्लेन में यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन कौन से मिले, यहाँ पर देखो फर्स्ट जीरो माइनस फोर, सेकेंड कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है सॉरी ये फोर जीरो देन माइनस फोर वन माइनस फोर वन, एक्स का तो क्या रहेगा यहाँ पर सेम ही रहेगा। ओके ये माइनस फोर जीरो माइनस फोर वन, एक्स का क्या है अगेन यहाँ पर माइनस फोर और यहाँ पर वाई का माइनस वन। नाउ अब एक कार्टेशियन प्लेन पर यहाँ पर ड्रा कर देखो, ड्रा कर लो पॉइंट कौन से जीरो माइनस फोर जीरो, ये होगा माइनस फोर, ये आपका पॉइंट कौन सा है जीरो सॉरी माइनस फोर जीरो, एक्स एक्सिस पर क्या है माइनस फोर जीरो। अगेन यहाँ पर देखो सेकंड पॉइंट माइनस फोर वन, ये एक्स एक्सिस का माइनस फोर और ये वन, मतलब ये इस तरह से यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, ये कौन सा है आपका माइनस फोर वन। नाउ अगेन देखो माइनस फोर माइनस वन, ये माइनस फोर और ये माइनस वन, मतलब ये पॉइंट आएगा यहाँ पर, ये फोर माइनस फोर एक्स एक्सिस का और माइनस वन वाई एक्सिस का, तो आएगा ये माइनस फोर माइनस वन। ओके सो यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट मिले माइनस फोर माइनस फोर वन माइनस फोर जीरो माइनस फोर माइनस वन, देन यहाँ पर देखो ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, तो क्या होगा ये यहां से एक लाइन ड्रा हो जाएगी जो पैरेलल होगी वाई एक्सिस को, सो क्या होगा ड्रा द लाइन, यहाँ पर ये लाइन इस तरह से पैरेलल लाइन फाइंड आउट हो जाएगी। ये लाइन कौन सी रहेगी यहाँ पर एक्स इक्वल टू माइनस फोर, जो लाइन रहेगी एक्स इक्वल टू माइनस फोर की लाइन रहेगी, ये जो लाइन रहेगी आपकी एक्स इक्वल टू माइनस फोर, यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट मतलब ये वाला लाइन किसको पैरेलल हो रही है वाई एक्सिस को पैरेलल हो रही है, यहाँ पर क्या है पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसको पैरेलल हो रही है पैरेलल टू वाई एक्सिस, हमने ये इक्वेशन बनाया, फिर कोऑर्डिनेट पॉइंट ये और कोऑर्डिनेट पॉइंट से हमने यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन पर
पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट किए तो हमें ये लाइन मिली x इक्वल टू माइनस फोर जो किसको पैरेलल है y एक्सिस को पैरेलल है। ओके सो यहाँ पर क्या होगा हमारा ये एग्जांपल नंबर 9 फिनिश होता है। नाउ हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।